हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं संजय और आप सभी को संजय मैथ्स के YouTube चैनल पर दोस्तों तहे दिल से स्वागत करता हूं एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आपसे जुड़ने का प्रयास किया हूं दोबारा, और यह जो वीडियो होगा दोस्तों वह उन तमाम छात्रों के लिए होगा जो बच्चे सीटेट के बाद कहीं ना कहीं टीचर्स के वैकेंसी के लिए अप्लाई किए हों। अभी जो आपने देखा होगा झारखंड में सहायक आचार्य 1 to 5 and 6 to 8 के लिए वैकेंसी आई है, और उससे मुझे लगता है कि आप लोग सबमिट किए होंगे उस फॉर्म को। तो उसमें कुछ सेगमेंट है मैथ्स का, है ना, उसमें सेगमेंट है मैथ्स का। मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है आपने चीज़ों को देख लिया होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार सिलेबस को देखिए अच्छे से, सिलेबस में क्या क्या मेंशन किया गया है। और उसमें एक चीज़ देखिएगा कि मैथ्स में आपको पढ़ना क्या क्या है। मैथ्स में लिखा हुआ है अंकगणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री पूछाएगा, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति मतलब क्या, मेंसुरेशन, यही देखिए मेंसुरेशन है, ठीक है ना, क्षेत्रमिति का पार्ट रहेगा, क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चंस रहेगा, से संबंधित प्रश्न रहेंगे, और इसका लेवल आपको मैट्रिक या टेंथ लेवल का क्वेश्चंस रहेगा। तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत मददगार साबित हो। मैं उसी प्रकार से कुछ इस प्रकार से कंटेंट लेकर आया हूँ जो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपके लिए रिलेवेंट हो, ठीक है। तो यह जो मेरा सेगमेंट होगा खासकर उन तमाम छात्रों के लिए जो बच्चे सीटेट के बाद या जेटेट के बाद जो भी है अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और सहायक आचार्य के रूप में अगर अपने आप को कहीं ना कहीं देख रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए ही सिर्फ बन रहा है, ठीक है दोस्तों, यह वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो आइए फिर देर किस बात की, मैथ्स हम लोग को पढ़ना है, और मैं चाहूँगा कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मैं दूँ, और इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। इसमें इसका बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक आपको टॉप लेवल का आपको कंटेंट डाला गया है, ठीक है दोस्तों। तो यह जो स्पेशली फोकस्ड होगा मेंसुरेशन पर बेस्ड, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में क्षेत्रमिति। तो कोई क्षेत्रमिति में आपको पता होगा कि क्षेत्रमिति में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, क्षेत्रमिति में क्या होता है, जैसे आप कहते हैं एरिया, पेरीमीटर, CSA या TSA। CSA बोले तो बोलते हैं हम लोग, CSA मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, हिंदी बोलते हैं इसको हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अगर बात करते हैं TSA, TSA मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो इन तमाम चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं मेंसुरेशन पर। इसमें हम लोग मेंसुरेशन को दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो भाग में कौन कौन, एक होता है दोस्तों 2D, एक होता है 3D। 2D में क्या पढ़ना है, तो 2D का एक अलग सेगमेंट है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल में आप पढ़ेंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, है ना, पैरेललोग्राम, ये सब पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे, पॉलीगॉन पढ़ेंगे, है ना, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर मैं 3D में बात करते हैं, 3D में क्या क्या पढ़ना होगा, 3D में अगर आप आते हैं तो आपको पढ़ना होगा क्यूब, क्यूबॉइड, है ना, ये सब चीज़ों पर पढ़ना होगा, सिलेंडर पढ़ना होगा, सिलेंडर जिसको बोलते हैं हम लोग, बेलन, कोन मतलब शंकु, है ना, गोला मतलब स्फीयर, हेमीस्फीयर, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ पढ़ना होगा आपको, और लास्ट में आपको देखना होगा प्रिज्म, पिरामिड और फ्रस्टम। तो आप एक बार सिलेबस को देखिए अच्छे से, माइंड सेट कीजिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है, उन तमाम चीज़ों पर इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मैं बहुत बारीकी से के क्वेश्चंस को आपके लिए मैं सबमिट किया हूँ दोस्तों यहाँ पर। तो आप यहाँ पर गौर से देखिएगा, क्वेश्चंस का लेवल भी आप समझ में आ रहा होगा, है ना। लेकिन मैं चलने से पहले कुछ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा एक बार आप देखिएगा ध्यान से दोस्तों। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो टॉपिक होगा हमारा, क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड होगा। क्यूब एंड क्यूबॉइड अर्थात बोलते हैं इसको हम लोग घन एवं घनाभ। तो मेंसुरेशन का पार्ट मैं देखने जा रहा हूँ, है ना, मेंसुरेशन का पार्ट देखने जा रहा हूँ, और इसमें आज हम लोग देखेंगे वह होगा आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड से संबंधित। तो दोस्तों आपको पता होगा, जैसे हम लोग मेंसुरेशन की बात करेंगे, देखो मेंसुरेशन को अगर आप समझना चाहते हैं अच्छे से, जो बच्चे एकदम बेसिक से समझना चाहते हैं, एकदम शुरुआत से देखना चाहते हैं, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाया जा रहा है, स्पेशली आप ही के लिए बनाया जा रहा है, जो बच्चे सहायक आचार्य के रूप में अपने आप को कहीं ना कहीं देख रहे हैं, है ना, 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, मैथ्स आपको पहले वही रहेगा आपका, ठीक है। एक बार सिलेबस को देखिएगा, उसमें आपको एक टॉपिक है मेंसुरेशन, उस टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री देखेंगे, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, हाँ। लेकिन इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखेंगे तो आपके लिए यह बड़ा बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज देख के तुरंत निकल जाएंगे तो फिर आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। अगर आप सच में अपने आप को एक सहायक आचार्य के रूप में देख रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बन रहा है, आप इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय कीजिए, लुत्फ़ उठाइए, और अल्टीमेटली आपका इस वीडियो के बाद आपका क्या व्यू है, क्या फीडबैक है, आप जरूर मुझे कमेंट के सेक्शन में आप बताएंगे।
यही मेरी आशा है आपसे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को हम लोग, और यह हमारा होगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में क्षेत्रमिति। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम लोग? क्षेत्रमिति के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। मेंसुरेशन दैट मीन्स क्षेत्रमिति। तो इसका स्टडी हम लोग दो पार्ट में करेंगे, इसका स्टडी हम लोग दो पार्ट में करने वाले हैं, है ना। एक फर्स्ट पार्ट है आपका 2D और सेकेंड पार्ट है इसका 3D। ये दो पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो 2D में क्या क्या पढ़ना है आप देख लीजिए अच्छे से। 2D की अगर हम बात करते हैं तो 2D में मुझे क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। तो 2D में क्या क्या पढ़ना है ना। तो इसमें देखेंगे हम लोग ट्रायंगल देखेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आएगा क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में भी बहुत सारा टाइप होता है। हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल मतलब आयत जिसको बोलते हैं हम लोग। स्क्वायर देखेंगे, स्क्वायर फिर देखेंगे रॉम्बस हो गया। उसके बाद अगला होगा मेरा आपका पैरेललोग्राम। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रैपेजियम। दोस्तों अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। देखो पहले आपको एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि जो हमें टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक से मुझे क्या क्या स्टडी करना है, क्या क्या मुझे सीखना है। ये जब अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, रेक्टेंगल आयत, स्क्वायर वर्ग, रॉम्बस मतलब होता है सम चतुर्भुज, पैरेललोग्राम होता है समांतर चतुर्भुज, और ट्रेपेजियम हो गया समलंब चतुर्भुज, ठीक है। ये सब पढ़ना आपको। इसके साथ ही साथ अगर हम आगे बात करें तो फिर आपको क्या करना होगा, एक पार्ट आता है आपका सर्कल का, तो सर्कल भी आप यहाँ पढ़ेंगे, और लास्ट में पढ़ेंगे पॉलीगॉन। ये सब आपको टॉपिक आपको ध्यान में रख के जाना होगा दोस्तों एग्जाम में। पहले टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको बात करने वाला हूँ। अब बात करते हैं 3D में। तो 3D में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों हम लोग को? 3D में पढ़ना क्या क्या है नोट कर लीजिएगा। पहला आपका क्यूब है ना, एंड क्यूबॉइड, इसको बोलते हैं घन एवं घनाभ। आज का टॉपिक हमारा यही है, घन एवं घनाभ, चूंकि यहां से क्वेश्चन आपको बनता है। नेक्स्ट होगा आपका सिलेंडर, ये पढ़ना हम लोग को, सिलेंडर पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना हम लोग को हॉलो सिलेंडर, इसी में हॉलो सिलेंडर, इसको बोलते हैं हम लोग खोखला बेलन। एक होता है शंकु को बोलते हैं इंग्लिश में कोन, ठीक है। स्फीयर एक रहेगा आपका हेमी स्फीयर। दोस्तों सब टॉपिक आपको ध्यान रखना चाहिए। घन घनाभ, सिलेंडर मतलब बेलन हो गया आपका, हॉलो सिलेंडर मतलब खोखला बेलन जिसको कहते हैं हम लोग, कोन मतलब शंकु, स्फीयर मतलब हो गया आपका गोला, हेमी स्फीयर मतलब हो गया अर्ध गोला, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है प्रिज्म, और नेक्स्ट हमें यह पढ़ना है दोस्तों पिरामिड। एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा यहां पर, कोन के बाद हमें पढ़ना है फ्रस्टम। फ्रस्टम को बोलते हैं हम लोग दोस्तों क्या? छिन्नक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? छिन्नक बोलेंगे। तो देखिए आपको पढ़ना सभी कुछ है ना, जितने भी मेंशन टॉपिक है सभी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन जनरली अगर हम बात करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछता है दोस्तों, तो 3D को आपको अच्छे से करके जाना होगा, खासकर क्यूब के बाहर सिलेंडर, कोन और स्फीयर को, ठीक है। प्रिज्म पिरामिड से कात क्वेश्चन आपको पूछ सकता है बाय द वे, है ना, लेकिन आपको करके जाना चाहिए। तो और 2D और 3D हमें यह टॉपिक आपको कवर करनी है मेंसुरेशन में। एक बार देख लीजिए अच्छे से दोस्तों, मेंसुरेशन का टॉपिक हमारे पास यही है। अगर आप इतना करके जाते हो तो फिर आपको इससे अलग नहीं पूछेगा। 2D एंड 3D पर हम लोग बात करेंगे। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर इधर आपको लिखा हुआ है, इधर आपको देख पा रहे होंगे इधर का टॉपिक इधर लिखा हुआ दोस्तों, इस प्रकार से आपको मेंशन है। इतना सा बस आप कर लो अच्छे से, बस इतना सा कर लो, इसके बाद आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जितना आपको बता रहा हूँ उतना मोर देन सफिशियंट है दोस्तों एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू। 1 to 5 एंड 6 to 8 तमाम उन वे सब सभी छात्र जो बच्चे सहायक आचार्य के रूप में अपने आप को देख रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आइए फिर किस बात की हम लोग इंतजार करें दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्चुअली अब मैं ये जो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ ऐसा नहीं कि सिर्फ सहायक आचार्य में ही काम करेगा। सहायक आचार्य में तो चलो मैं बना ही रहा हूँ वीडियो, लेकिन इसके अलावा वो आप झारखंड के किसी भी एग्जाम बैठेंगे, जहाँ भी मैथ्स पूछेगा, चाहे झारखंड हो चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम किसी भी एग्जाम बैठते हो, जहाँ भी मेंसुरेशन पूछेगा, मेंसुरेशन ये आपका वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए
क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो हमारा कंटेंट होगा, टॉपिक होगा दोस्तों, वह हमारा आज का जो टॉपिक है वह है क्यूब एंड क्यूबॉइड पर। तो पहले हम इस वीडियो का शुरुआत स्टार्ट करने वाले हैं 3D से, और 3D का वह सही पार्ट जो जहाँ से क्वेश्चन आपका बनने का संभावना अति प्रबल होता है, जहाँ पूछता है क्यूब एंड क्यूबॉइड से, जिसको बोलते हैं हम लोग घन और घनाभ। यहाँ से आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं डिस्कस करने के बाद हम आपको लेकर चलेंगे 3D में। तो मैं इसमें टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाला हूँ क्यूब क्यूबॉइड, फिर सिलेंडर का, फिर हॉलो सिलेंडर का, क्वेश्चन वाइज मैं आपको डिस्कस करूंगा, फिर लास्ट में आपको मिक्स करवा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जाने से पहले पहले ये कुछ जानना होगा आपको, कुछ बेसिक चीज़ें आपको जाननी होगी। पहले मैं बात करता हूँ क्यूब के बारे में। क्यूब के बारे में जानते हैं, क्यूब का मतलब होता है दोस्तों घन। यह होता है हमारा घन। घन कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, आप सभी बच्चे जानते होंगे। मान लीजिए यह इस प्रकार का आपका है ना मेरे भाइयों, और यहाँ पर इस प्रकार से मैंने आपको मेंशन कर दिया है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से आप इसको मिला लीजिए, यहाँ से इसको मिला लीजिए, यहाँ से इसको मिला लीजिए, और यह बच गया, इसको मिला लीजिए, यह एक घन बन गया। घन में एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि घन एक जो होता है वह घन में आपको सभी भुजाएँ आपस में समान होती है, चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊँचाई हो, सभी भुजाएँ आपस में क्या होंगी, समान होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। और क्यूबॉइड में एल बी एच अलग अलग होता है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप लूडो अगर खेलते होंगे तो लूडो में जो आप यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों, वह आपका क्यूब शेप का होता है, ठीक है। लेकिन माचिस का जो डिबिया है, माचिस का डिबिया अगर बात करते हैं दोस्तों इस प्रकार से यह होता है, तो यह हमारा क्यूबॉइड शेप का होता है। यह जो हो गया हमारा, यह क्या हो गया दोस्तों, तो यह क्यूबॉइड होता है। माचिस वाला जो डिब्बा होता है, जो डिबिया आप यूज करते हैं घर में देखते होंगे, तो यह हमारा क्यूबॉइड होता है, जिसमें हमारा एल बी एच, इसमें अब तीनों बराबर होगा, एल बराबर बी बराबर एच, तीनों बराबर होगा, जैसे हम लोग ए कहते हैं या एल कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एल यह है, तो बी यह है, तो एच हमारा यह है, इसमें तीनों अलग अलग होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग घनाभ। यह क्या हो गया हमारा घनाभ, घनाभ बोले तो क्यूबॉइड। पहले डिफरेंस को समझो, क्यूब किसे कहेंगे, क्यूबॉइड किसे कहेंगे। क्यूब में दोस्तों सभी भुजाएं आपस में समान होंगी, है ना, और यह क्यूबॉइड में एल बी एच यानी ये तीनों अलग अलग होगा, क्लियर है। तो दोस्तों यहां पर आपको समझना है, पहले हम लोग क्यूब के बारे में बात करें या क्यूबॉइड के बारे में बात करें, कुछ प्रॉपर्टीज है इसके बारे में आपको जानना चाहिए। पहले ये समझो कि क्यूब में एज कितने होते हैं, एज मतलब किनारा। क्यूब का वर्टिक्स कितना होता है, मतलब शीर्ष कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसके लिए कि आपको कुछ डायग्राम बनाया हूं, मैं उसे आपको समझाना चाहता हूं या दिखाना चाहता हूं, एक बार देख लीजिए। जैसे यह हमारे पास क्यूब है और यह हमारे पास क्यूबॉइड है, ध्यान से देखिएगा, यह हमारे पास क्यूब है और यह हमारे पास क्यूबॉइड है। दोस्तों यहां पर अगर आप गौर करेंगे तो देखो, यहां पर देखिएगा ध्यान से मेरे भाइयों, कि देखो वर्टिक्स अगर बात करें तो वर्टिक्स कितना होता है, 8 होता है क्यूब में, क्यूबॉइड में वर्टिक्स कितना होगा, 8 होगा। वर्टिक्स मतलब आपको लेना है शीर्ष, शीर्ष। अब देखो यहां पर शीर्ष कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टिक्स हो गया, यही 8 आपको यहां पर भी होगा, क्लियर है, 8 वर्टिक्स होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एज, एज मतलब किनारा लेते हैं, तो एज मतलब किनारा मतलब क्या, कि आपको इसको लेना, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना, यहां देखिएगा 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, देखो 12 है यहां पर, इसे हम लोग एज बोलते हैं। तो यह अगर पूछ देगा क्यूब एंड क्यूबॉइड में, अगर पूछेगा आपसे क्या कि वर्टिक्स कितना होता है, तो 8, एज कितना होता है मतलब किनारा कितना होता है, तो 12। दूसरी बात, ऑल द एज इक्वल, मतलब ऑल साइड्स इसमें क्या होता है, समान होता है, और इसमें क्या होता है आपका नॉट इक्वल, मतलब अलग अलग होता है। अगर मैं फेस की बात करूं तो फेस आपका 6 ही होगा। आप देखते होंगे अगर लूडो खेले होंगे तो लूडो में आप 1 2 3 4 5 6 क्या है, उसका फेस ही है। तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यह क्यूब एंड क्यूबॉइड से संबंधित कुछ मैंने आपको बेसिक बात बताया, और यह बात जो मैंने बताया इसको आप थोड़ा सा प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, जो मैंने अभी आपको समझाया, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तो इसमें कुछ रूल्स है, मैं उसको आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। पहले क्यूब के बारे में समझते हैं, क्यूब मेरे प्यारे साथियों, अगर क्यूब अगर आप देख रहे हैं यानी घन देख रहे हैं, तो घन में आपको जो याद करने वाला चीज़ है वह आपको कुछ इस प्रकार से है, इसे आप जरूर माइंड में रखना, यह आपके लिए काम आएगा। दोस्तों यहाँ पर क्यूब में हमें यह देखना होता है कि सही भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसका अगर पूछता है आपसे क्या, क्यूब का अगर पूछता है क्या सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे,
यानी सी ए से पूछता है, सी एस ए, सी एस ए मतलब इसको इंग्लिश बोलेंगे क्या, कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना यह होगा आपका 4 इंटू साइड का स्क्वायर, अर्थात 4a स्क्वायर बनेगा। अगर पूछता आपसे टी ए से मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो चूंकि इसका सरफेस यानी फेस कितना होता है, 6 होता है, तो हम 6 लेंगे, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, अर्थात आप इसे कह देंगे 6a स्क्वायर। यह हो गया हमारा टी ए से, याद करते चलिएगा। सी ए से मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और टी ए से मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है, टी ए से का मतलब हो गया। तो अब बोलेगा सर सी ए से क्या होता है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास अगर ये है, यह एक बॉक्स है, तो अगर मैं सी ए से की बात करता हूँ दोस्तों, सी ए से की बात करता हूँ, तो देखो यहाँ पर एक फेस, दो फेस, तीन, दो हो गया, तीन और चार, ये चार फेस होगा। क्लियर है, एक दो तीन चार। लेकिन अगर मैं टोटल की बात करता हूँ, तो पांच नीचे वाला और एक ऊपर वाला, छः नीचे और ऊपर दोनों काउंट करेंगे, तो हमारा कहलाता है आपका टी ए से, टोटल सरफेस एरिया, यह कहलाता है। तो इसमें हम लोग देखे सी ए से, एक देखे टी ए से, दूसरा इसका देखिएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, तो मेरे प्यारे साथियों वॉल्यूम जो होता है इसका, याद रखिएगा, है ना, साइड का हॉल क्यू, साइड का हॉल क्यू अर्थात एक क्यू, यह इसका वॉल्यूम होता है। अगर मैं इसका डायगोनल की बात करता हूँ, डायगोनल अगर मैं यहाँ पर डायगोनल अगर ड्रॉ करता हूँ, डायगोनल, तो याद रखिएगा डायगोनल कितना होगा इसका, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, यानी कि हम लोग कहते हैं 3a स्क्वायर। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा a√3, यह होता है डायगोनल होता है। तो ये सब कुछ विशेष बातें हैं जो दोस्तों आपको जानना चाहिए। सहायक आचार्य मतलब शिक्षक बनने वाले हैं, और शिक्षक बनने वाले हैं तो ये सब तमाम चीज़ें आपको दिमाग में रख के जाना है। मेरी आवाज़ आ पा रही है दोस्तों, मेरी आवाज़ क्या आ पा रही है अब तक, वेरी गुड, उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी आवाज़ आ पा रही होगी, पहुँच पा रही होगी अब तक। ये हमने देखा सी एस से, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ टी एस से, आपने देख लिया, सी एस से देख वॉल्यूम देख लिया, और डायगोनल भी देख लिया आपने, डायगोनल मतलब विकर्ण, यहाँ से यहाँ का विकर्ण मैंने बता दिया आपको। क्लियर है, एक चीज और देखिएगा, मैं बात करता हूँ सपोज यहाँ पर क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड बोले तो दोस्तों इसको बोलेंगे हम लोग घनाभ, क्यूबॉइड को क्या बोलेंगे हम लोग, घनाभ बोलेंगे, क्यूबॉइड इसको बोलेंगे हम लोग, घनाभ इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग, घना बोलेंगे। यह क्या होता है, किस प्रकार से होगा, तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यह आपका एक आकृति आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक इस प्रकार से देख लीजिए, इसमें जो आप देखेंगे गौर करेंगे तो इसमें आप देखिएगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग रहेगा, यानी एल एल बी और एच, एल नॉट इजक्वल टू बी नॉट इजक्वल टू सी, ये तीनों अलग अलग रहता है यहाँ पर। उसमें क्या था, तीनों एक समान था, यहाँ पर तीनों क्या है, अलग अलग है। मैंने इसे रिप्रेजेंट किया, सपोज यहाँ पर L रखा, ये हमारा B हो गया और ये हमारे लिए H हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सपोज CSA का, तो CSA कहने का मतलब क्या हो गया, CSA याद रखिएगा, CSA को ही बोलते हैं हम लोग एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर, इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स इसी को बोलते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल्स हिंदी बोलेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए यह एक कमरा है जिसमें पढ़ा रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, यह एक कमरा है, ठीक है। मुझे मान लीजिए किसी मजदूर व्यक्ति से या मुझे कुछ इसमें पेंट करवाना है, कलर करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या करवाऊँगा, चारों दीवार, एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार, चार दीवार, चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब सी एस ए, एक दो तीन चार, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, या इसी को बोलेंगे सी एस ए, दोनों सेम चीज़ें हैं। लेकिन अगर मुझे इसका फर्श को भी पेंट कराना हो, और सपोज छत को भी कराना हो, पास समझे मेरी बात को, एक दो तीन चार, उसके बाद फर्श पांच और छत कितना हो गया, छः हो गया, ठीक है दोस्तों। तो छः अगर हम करवाते हैं काम, तो हो जाएगा हमारा टी एस ए, लेकिन सिर्फ चारों दीवारों काम करवाते हैं तो यह हो जाएगा हमारा सी एस ए। सी एस ए बोले तो कर्व सर्विस एरिया या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, टी एस ए बोले तो टोटल सर्विस एरिया या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, याद रहेगा सब बच्चों को, गुड। अब देखिएगा दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स, तो कैसे निकालते हैं, इसका रूल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी,
इंटू एच, टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये इसका रूल होता है सी ए से निकालने का। या हमें इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, या इस रूल को ऐसा बनाते हैं तो